गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों आज आप लोगों का जीके का टर्न है, जिसमें कि आज का जो चैप्टर है वो 40 है और टॉपिक है नंबर गेम. नंबर गेम मतलब आपको कुछ यहाँ पर पजल्स टाइप की दी गई हैं और उसमें ब्लैंक्स स्पेस दी गई है जिसको कि आपको फिल करना है पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद में. ठीक है, वो हम आज आपको करवाते हैं. नंबर का मतलब होता है डिजिट्स, जो भी आपकी डिजिट्स होती है ना उसमें आपको ये कंप्लीट करना है. चलिए आप ये हम फर्स्ट है, यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर ब्लैंक स्पेस थी पैसे इन 1 रुपीज़, जो 1 रुपये का सिक्का होता है उसमें कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं, तब जाकर वो 1 रुपया बनता है. ठीक है. सेकेंड है, क्रिकेट टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, मैंने यहाँ फिल कर दिया है. जो एक क्रिकेट टीम होती है ना, टीम होती है तभी तो सब खेलते हैं, आउट हो जाता है फिर नेक्स्ट आता है, फिर आउट हो जाता है फिर नेक्स्ट प्लेयर आता है, तो ऐसे 11 प्लेयर्स होते हैं. जब सब आउट हो जाते हैं तो वो टीम फिर खेलना बंद कर देती है. तो कितने हुए, 11 प्लेयर्स हुए. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है जो स्पेस में है उसमें वहाँ पर कितने प्लैनेट्स हैं, यानी ग्रह हैं, कितने हैं, 8. ठीक है. अब अ रुपी हैज़ - 50 पैसे कॉइन्स, जो एक रुपया होता है ना उसमें कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, 2 50 पैसे के जो कॉइन्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, 1 रुपीज़. नेक्स्ट है, द मंथ ऑफ फेब्रुअरी हैज़ - यानी डेज व्हेन इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, जब वो लीप ईयर नहीं है तब वहाँ पर 28 डेज होते हैं. यहाँ मैं गलती से 29 लिख गई हूँ, यहाँ पर कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं जब वो नहीं होता लीप ईयर. अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे. ओके. अब नेक्स्ट है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर, जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है ना उसमें कितने लेटर्स हैं, 26, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं. ठीक है, तो 26 लेटर्स. एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हैव मोर देन 32 टीथ, जो एक एडल्ट होता है पर्सन, जो भी इंसान होता है, जो बड़ा इंसान होता है, उसके 32 टीथ होते हैं मुँह में, और जो बच्चे होते हैं उनके कम होते हैं, लेकिन एक पूरे जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं. ठीक है. उसके बाद में, वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी, जो हमारा बॉडी है ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 206. ओके. नेक्स्ट, 10 काउज है, अगर 10 गायें हैं तो उनके कितने पैर होंगे, 40 लेग्स. नेक्स्ट है, अ क्लॉक हैज़ कितनी डिजिट्स होती हैं, एक घड़ी में 12 होती हैं ना, एक टर्न पूरा 12 का हो जाता है तो डे कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा टर्न आता है तो नाइट आती है, तो ये दोनों 12 डिजिट्स होती हैं आपकी एक क्लॉक के अंदर. ओके. अब नेक्स्ट है, ये कंप्लीट हो गया है आपको, मैं इसको अभी सेंड कर दूंगी. आज हम नेक्स्ट चैप्टर और लेते हैं, 41 चैप्टर नंबर, और आपका टॉपिक है रिडल्स. रिडल्स मींस होता है पहेलियाँ. ठीक है, कोई पहेली है तो आपको वो कैसे सॉल्व करनी है वो हम यहाँ समझा रहे हैं. देखिए, रिडल्स हैव अस टू थिंक लॉजिकली डिफरेंटली, हमको वो रिडल्स यानी पहेलियाँ अलग तरीके से सोचने का मौका देती हैं, हम सोचते हैं अलग तरीके से. दे एम्पावर आर थिंकिंग स्किल एंड टेक आवर माइंड अ स्टेप अप, वो जो पहेलियाँ होती हैं वो हमको हमारी जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पहेलियाँ हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं. फर्स्ट में है, आई एम यूज इन समर एंड रेनी सीजन, मैं गर्मियों में और बारिश में यूज़ किया जाता है मुझको, किसको, अम्ब्रेला, क्योंकि बारिश में अम्ब्रेला ही यूज़ करते हैं ना हम लोग, तो अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं, रेनी सीजन में, और जब बहुत गर्मी होती है तब भी हम अम्ब्रेला लगा के निकलते हैं. सेकंड है, आई हैव अ ट्रंक बट आई एम नॉट एन एलिफेंट, मेरे पास में ट्रंक है तो, लेकिन मैं एलिफेंट नहीं हूँ, ट्रंक एलिफेंट की सूंड को बोला जाता है, लेकिन ट्री में भी ट्रंक होता है, उस तना वो कहलाता है. ठीक है, तो ये ट्री है. नेक्स्ट है, आई हैव एन आई बट कैन नॉट सी, मेरी आंखें हैं लेकिन मैं देख नहीं सकता, कौन है ये चीज़, नीडल,
जो नीडल होती है उसकी यहाँ पर एक छेद होता है, उसको आई बोलते हैं, लेकिन ये देख नहीं सकती है ना, ये सिलने के काम आती है। नेक्स्ट है, आई हैव टीथ बट कैन नॉट बाइट, मेरे दांत हैं लेकिन मैं काट नहीं सकता, ये ऐसी क्या चीज़ है? कॉम्ब, ये देखो कॉम्ब, ये कॉम्ब जो है इसे बाल काटते हैं ना हम लोग, इसके ये जो है ये दांत कहलाते हैं, लेकिन ये काटता नहीं है, इसको काढ़ने के काम में लाया जाता है हेयर से। फिर नेक्स्ट है, आई हैव फोर लेग्स बट आई एम नॉट अ लिविंग थिंग, मेरे चार पैर है लेकिन मैं जीवित वस्तु नहीं हूँ, कोई मैं जीवित नहीं हूँ। भाई चार पैर तो उसी के होते हैं ना जो जीवित होता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके चार पैर है पर वो चल नहीं सकता, ना जीवित है? तो टेबल, टेबल के आपने देखे ना फोर लेग्स होते हैं, है ना, उसको खड़ा करने के लिए, तो टेबल। लास्ट है, आई हैव हैंड्स बट आई एम नॉट अ ह्यूमन, मेरे हाथ हैं लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। तो हाथ किसके होते हैं, हैंड्स किसके होते हैं? तो ह्यूमन के होते हैं, इंसानों के होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग में आ गया है वो है क्लॉक, घड़ी। घड़ी में हम बोलते हैं ना हैंड्स होते हैं जो चलते रहते हैं, तो क्लॉक। तो बच्चों आपने देखा इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, जिससे कि हमारी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है और हम उसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आज आपने 40 और 41 चैप्टर्स मैंने आपको सॉल्व कराया, अभी मैं इसका आपको बुक एक्सरसाइज सेंड करूँगी। बच्चों इसके साथ ही आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट हुआ फाइनल टर्म का भी, और अब आपको जो चीज़ समझना आए सबकी वीडियो मैंने सेंड की हुई है, आप देखिए, समझिए और लर्न करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।